चलो बच्चों, कोलिजन्स पे, कोलिजन और स्प्रिंग दोनों मिला के एक सवाल ले रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट सीखने वाला सवाल है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तीन ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे ले लो। केस वन, इफ कोलिजन बिटवीन बच्चों, इनिशियली ये रेस्ट में है दोनों, ये मूव कर रहा बी नॉट से, पहला केस हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी के बीच में कोलिजन जो है वो इलास्टिक है और मासेज बच्चों इक्वल है। मुझे लगता है कि फर्स्ट का तो आंसर बहुत इजीली बता दोगे। मासेज इक्वल है और कोलिजन इलास्टिक, सो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा, सो ए विल कम टू रेस्ट and we will start moving with velocity v naught. And we will gain velocity v naught. So first option solve हो गया क्या? Yes sir. Second की बात करते हैं अब। Second वाला थोड़ा tough है। इसके मैकेनिज्म को समझना। ये रेस्ट में आएगा और ये V नॉट से जा रहा है, ये अभी रेस्ट में है, सो स्प्रिंग विल कंप्रेस, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो C पे फोर्स लगाएगा, C इधर वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा, वेलोसिटी ऑफ B विल डिक्रीज, but as long as velocity of B is more than velocity of C, a spring will compress and compress and compress. The moment velocity of the two becomes equal at this situation,
The compression in the spring will be maximum. क्या ये बात समझ में आई? So spring का compression maximum कब होगा? It will maximum when B and C will acquire equal velocity. ये कंडीशन है, ये कंडीशन समझना है, यही हो गया तुम्हारा 90% ऑफ द क्वेश्चन. मैंने हालांकि पूछा भी व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दैट मोमेंट. सो इक्वल वेलोसिटी इसका वी, इसका भी वी. सो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन इसको इसको सिस्टम ले लिया. फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है m इंटू वी नॉट, चूंकि ये v नॉट वेलोसिटी गेन किया है. इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है जीरो, और बाद में दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो गया m प्लस टू एम, कॉमन वेलोसिटी v. So v comes out as v naught by 3. तो इसका सॉल्यूशन आ गया. मुझे निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन. कोई बताएगा क्या कर सकते हैं? कैन यू गिव हिंट कि आप क्या करें, क्या यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है? स्मूथ सरफेस है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. बच्चों हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे क्योंकि एनर्जी यहां कहीं लॉस नहीं हो रहा है. क्या लिखो? टू फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जीरो. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको इसको सिस्टम लिया, एम और टू एम, टोटल मास 3m, इट इज मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी v नॉट बाय 3 व्हिच वी गॉट हियर. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिस माइनस इस ब्लॉक का वेलोसिटी है v इनिशियली, सो हाफ m v नॉट स्क्वायर. ये हो गया डेल्टा k प्लस डेल्टा यू. इनिशियल स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, बाद में सपोज कंप्रेशन एक्स है, यही एक्स निकालना है. हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो. अब इसको सॉल्व कर लो. बच्चों ये मेडिकल के हिसाब से टफ सवाल हो जाएगा. बच्चों दूसरा केस ले रहे हैं. फर्स्ट केस में इसको हमने कहा था इलास्टिक कोलिजन हुआ. सेकंड केस में कह रहा हूं कि ये स्टिक कर गया, इससे इससे चिपक गया.
मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो फिर से वही सवाल हम करेंगे, पहला सवाल कि जस्ट आफ्टर कोलिजन बी का क्या वेलोसिटी होगा और मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। ठीक है, सो कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, ए और बी की बात करेंगे, ए और बी कोलाइड कर रहा है, सो वी विल यूज कॉन्सेप्ट फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल वेलोसिटी एम वी नॉट, इनिशियल मोमेंटम बी का है जीरो, बाद में आ गया एम और एम टू एम, कॉमन वेलोसिटी वी डैश से मूव कर रहा है, सो वी डैश कम्स आउट एज वी नॉट बाय टू। क्या इस कोलिजन में एनर्जी लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है क्या दिया प्रदेश से? यस, इसमें लॉस हुआ है बिकॉज ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अब जब एनर्जी ये स्टिक कर गया उसके बाद क्या होगा, ये दोनों कॉमन वेलोसिटी वी नॉट बाय टू से जाएगा और फिर वही कॉन्सेप्ट होगा कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सी एट मैक्सिमम कंप्रेशन। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, एट मैक्सिमम कंप्रेशन बी एंड सी विल हैव इक्वल वेलोसिटी। बी एंड सी विल हैव इक्वल वेलोसिटी। सो फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल मोमेंटम इज टू एम इंटू वी नॉट बाई टू, दैट इज इक्वल टू टू एम प्लस टू एम, फोर एम इंटू वी डबल डैश। V double dash is equal to V naught by 4. इसके बाद फिर यहां से आएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा के लिख रहा हूं मैं, फास्ट तो नहीं जा रहा, लगता है थोड़ा फास्ट हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये 2m और ये भी 2m हो गया बच्चों, a और b स्टिक कर गया है। हाफ टोटल मास v नॉट बाय 4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल, और बता रहा हूं कुछ बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं, वो इसका एनर्जी लिख लेते हैं। तो यहां और मैक्सिमम कंप्रेशन के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो।
क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिकॉज इसके इसके बीच के कॉलिजन में एनर्जी का लॉस हुआ है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां लगा रहे हैं? जब ये कोलाइड कर लिया है जस्ट आफ्टर कोलिजन और मैक्सिमम कंप्रेशन के बीच में, इसलिए यहां पे एनर्जी लिखेंगे हाफ काइनेटिक एनर्जी 2m इंटू वी नॉट बाय 2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा u, फिर से हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला एक्सप्रेशन बच्चों इसको दोबारा सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया। कुछ और सवाल करते हैं बच्चों। देखो एक सवाल लेते हैं, एक देयर इज टू सिंपल पेंडुलम, एक का मास ले लिया मैंने 2m, एक का मास ले लिया m एंड दिस इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन। लेंथ स्ट्रिंग का है l। अब बताओ ये नीचे ऐसे आएगा और जस्ट बिफोर कोलिजन इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा और ये रेस्ट में है, इससे कोलाइड करेगा। इफ इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इफ आफ्टर कोलिजन ए एंड बी stick to each other, मतलब collision is perfectly inelastic, then find maximum deflection in the string। फिर क्या होगा, इसको कुछ कॉमन वेलोसिटी होगा, ये ऊपर जाएगा तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसका मास हो जाएगा 2m और m, ये निकालना है। देखो इसमें दो दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज होगा और एक वर्क एनर्जी पावर वाला कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज होगा। दो कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, पिछला सवाल भी ऐसा ही था। तो परेशान मत होना, तुम लोग कर सकते हो, कैपेबल हो तुम लोग। सबसे पहले क्या करना है मुझे, व्हेन इट विल रीच एट दिस पोजीशन जस्ट बिफोर कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, अगर मैं लिख दूं डायरेक्टली तो चलेगा क्या? रूट टू जी एच होता था, एच के जगह पे एल, क्या बात है, प्रथमेश ने पहले ही बता दिया, बहुत बढ़िया प्रथमेश। एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसे सवाल किए हैं,
रूट टू जी एल कोलिजन इज इलास्टिक सो जस्ट आफ्टर कोलिजन ए एंड बी will start moving with velocity v dash, which will be given by कितना वेलोसिटी मूव करना शुरू करेगा वो कैसे निकालेंगे विच विल बी गिवन बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब के बीच में यहां और यहां के बीच में नहीं बिकॉज इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करवाएंगे ये बात को समझना बिकॉज यहां से हमें तो mg लग रहा है t लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स है सो m इंटू रूट टू जी एल दैट इज इक्वल टू 3m इंटू v मुझे लगता है इतना तो आराम से तुम लोग बता दोगे अब मुझे निकालना है ये मैक्सिमम कितना होगा थीटा मैक्स थीटा नॉट कितना होगा डिफ्लेक्शन अब बताओ कोई हिंट दो अब क्या करूं जिस समय मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उस समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बहुत बढ़िया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां कहां के बीच में इनिशियल ये और ये या जस्ट आफ्टर कोलिजन और ये फाइनल पोजीशन जस्ट आफ्टर कोलिजन और फाइनल पोजीशन बिकॉज यहां और यहां के बीच में हम नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते बिकॉज बीच में कोलिजन हुआ है और परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ है लॉस हुआ है तो लिखेंगे इसके बाद लिखो जस्ट आफ्टर कोलिजन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिखो यहां पे दो सिंपल पेंडुलम लिया एक का मास m और एक का मास मैंने सपोज ले लिया 3m और इसको क्या कर दिया यहां से छोड़ दिया अब थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि जैसा मोशन इसका होगा वैसा ही मोशन इसका होगा एक्चुअली में मास से डिफरेंट कुछ डिफरेंस नहीं आएगा और चलो मैं हिंट दे देता हूं कि ये यहां पे ना सेम टाइम में पहुंचेगा दोनों यहां से आने का टाइम जितना इसका होगा उतना इसका होगा मास से फर्क नहीं पड़ेगा ये हम रोटेशंस में समझाएंगे बट कॉमन सेंस से समझ सकते हो दोनों साइमल्टेनियसली यहां पहुंचा है और मुझे लगता है कि ये तो तुम बता ही सकते हो कि ये पहुंचेगा रूट टू जी एल से और ये भी पहुंचेगा रूट टू जी एल से इजंट इट यस दोनों रूट टू जी एल से ही पहुंचेगा
लेकिन एक का मास है एम और एक का मास है थ्री एम। और मैं ले लेता हूं कोलिजन को इलास्टिक, रूट जी एल को मान लेता हूं मैं वी नॉट, चूंकि इतना बड़ा क्यों लिखता हूं वी नॉट। तो एक्चुअली सवाल ये है कि एक एम मास का है जो वी नॉट इधर है और एक मास है थ्री एम का, उसका भी वेलोसिटी है वी नॉट इधर। आफ्टर कोलिजन सपोज ये गया वी वन से और ये थ्री एम, किधर मानू, इधर मान सकता हूं या इधर मान सकता हूं? चलो इधर मान लेता हूं V2 से, बाद में समझ में आएगा कि एक्चुअली V2 इधर आएगा, मान लेते हैं जो तुम्हें लगा। तो मुझे V1 और V2 निकालना है, तो सवाल ये है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द टू बॉब जस्ट After collision, और ये collision कैसा है, इलास्टिक। क्या निकाल पाओगे तुम लोग? तो हम दो इक्वेशंस लिखते हैं, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वी नॉट वी नॉट टू वी नॉट। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वी टू माइनस वी वन। या वी टू प्लस वी वन क्या होगा अगर ये डायग्राम लिया है? V1 plus V2. बहुत बढ़िया, V1 plus V2. तो पहला तो मोमेंटम कंजर्वेशन, बच्चों देख लो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख लो, सपोज इधर को पॉजिटिव ले लिया इस डायरेक्शन को, एम वी नॉट हो जाएगा पॉजिटिव और थ्री एम वी नॉट हो जाएगा नेगेटिव। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इधर है एक्चुअली नेगेटिव। यहां पे लिखोगे ये क्वेश्चन सबको 100% समझ में आना चाहिए। थ्री वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस टू वी नॉट, दिस इज इक्वेशन वन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज टू वी नॉट, ये v नॉट इधर ये v नॉट इधर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, सो v1 प्लस v2 दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। और इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस वी बन जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दिया तो हो जाएगा जीरो, दैट मींस फोर वी टू इज इक्वल टू जीरो, सो आंसर इज वी टू इज इक्वल टू जीरो।
मतलब ये बॉल रेस्ट में आ जाएगा, एंड व्हाट इज वी वन, v1 is equal to 2v0, that is equal to 2 root 2gl, that is equal to root 8gl. क्या बात समझ में आई? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना? सो ये जाएगा इधर रूट एट जी एल से स्टार्ट किया. अब आगे की कहानी बताना, सर्कुलर मोशंस को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वर्क पावर एनर्जी को भी. क्या ये ऐसे जाकर के फिर ऐसे आएगा क्या? विल इट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर पाथ? यस यस. का Yes. हाँ जी सर. जी एकदम सही आंसर है तुम्हारा, बिकॉज रूट फाइव जी एल तूने याद किया होगा, रट्टा मार लिया होगा, रूट फाइव जी एल इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड हियर. और यहाँ पे रूट एट जी एल आ गया, दैट मीन्स दिस विल कंप्लीट सर्कुलर पाथ. अगर पूछा जाए कि ए बॉल मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट ये ऐसे जा करके यहां तक जाएगा, चूंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ऊपर नहीं जाएगा, तो 2l will be the maximum height attained. And इसका velocity इस point पे कितना होगा, so you can find from the mechanical energy conservation. बहुत बढ़िया, देखो अब मजा आ रहा होगा. अगर फिजिक्स में किसी को इंटरेस्ट थोड़ा जगा होगा तो इसको मजा आएगा कि हाँ, अगर मैं अभी पूछ दिया व्हाट इज टेंशन, देखो सवाल कितना छोटा सा है, मैं कहूंगा यहां से छोड़ दिया, कोलिजन हुआ इलास्टिक, जब ये मैक्सिमम हाइट पे है उस समय स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ना, ए बॉब क्या होगा. तो इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत तरीके से पूछा जा सकता है. इनफैक्ट मैं तो ये भी पूछ सकता हूँ, इंजीनियरिंग में ऐसा ही होता है, कोलाइड क्या कहेगा, एक कोलिजन हुआ, ये घूम के आएगा ऐसे, दूसरा कोलिजन होगा, जब दूसरा कोलिजन होगा तो 3m ब्लॉक रेस्ट में है और m ब्लॉक किस वेलोसिटी से आएगा, ये वाला वेलोसिटी से आएगा, फिर से इधर से ऐसे घूम के आएगा, ये रेस्ट में फिर से कोलिजन होगा. मान लो इलास्टिक कोलिजन्स हो रहा है तो अब क्या होगा वेलोसिटी, सेकेंड कोलिजन्स के बाद वेलोसिटी क्या होगा दोनों बॉल का. तो ये हो जाता है बच्चों सब्जेक्टिव, ये हो जाता है आईआईटी का सवाल, लेकिन एम्स का सवाल. लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेशेंस है, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें भी आते हैं कि नहीं. हाँ सर. बच्चों होमवर्क दे रहा हूं मैं, एच सी वर्मा, अभी क्लास छोड़ नहीं रहा हूं, एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 41 to 60 आज ही सॉल्व करना है, सारे सवाल अटेम्प्ट करना है, सारे का मतलब सारे सवाल. तो थ्योरी आगे बढ़ाता हूं. अच्छा ऑब्लिक कोलिजन अगर होता है, दैट मीन्स
मोशंस एक ही लाइन पे कन्फाइंड नहीं है, पहले से भी हो सकता है मोशंस दो लाइन पे हो, एक टू डायमेंशन में हो, और आफ्टर कोलिजन से मोशंस टू डायमेंशन में हो, या इनिशियली दोनों का मोशंस एक ही लाइन पे हो, लगभग एक ही वन डायमेंशनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग हो, बट आफ्टर कोलिजन इसका मोशन जो है एक्स वाई प्लेन में है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी समझाने के लिए, मैंने इसका इधर ले लिया सपोज वी वन, इधर ले लिया सपोज वी टू, या इसी डायरेक्शन ले लिया है वी टू, और वी वन ग्रेटर देन वी टू है तो कोलिजन होगा। तो जनरल केस में देखो, एक जनरल केस में सपोज आफ्टर कोलिजन ये चला गया वी वन से इस डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस से थीटा वन एंगल पे, ये सपोज इधर चला गया एक्स एक्सिस से थीटा टू एंगल पे, तो अननोन कितने हैं ये देखना। अननोन इज वी वन एक, वी टू दो, थीटा वन थीटा टू। हाउ मेनी अननोन्स? फोर। हाउ मेनी इक्वेशंस वी रिक्वायर्ड? फोर। चार इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। अगर सिंपली सवाल कह दिया कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कोलिजन्स हुआ तो बताओ ये क्या होगा, तो देखते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं। सो पहला इक्वेशंस लिखेंगे, और मान लेते हैं कि कोलिजन इज इलास्टिक, तो फर्स्ट इक्वेशंस विल बी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x axis में momentum will remain conserved। इस particular questions में मैंने y axis में initial momentum zero दिया है, तो दूसरा equation हम लिखेंगे कि y axis में जो भी momentum अभी है, बाद में भी y axis में भी वही रहेगा। linear momentum conservation along y axis, दो equation आ जाएगा। और अगर इलास्टिक है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तीन इक्वेशन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, उससे एक इक्वेशन आएगा। सो हाउ मेनी इक्वेशन वी गॉट? थ्री। हाउ मेनी वी रिक्वायर्ड? फोर। वी आर लैकिंग इन वन इक्वेशन, और मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा कि कहां से लिखेंगे, हम नहीं लिख पाएंगे जितना इंफॉर्मेशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग। That means, अगर सिंपली ऐसे कह दिया जाए कि ऐसा गया है तो फाइन, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटीज, सो हम नहीं निकाल पाएंगे बच्चों। क्यों नहीं निकाल पाएंगे वो अभी हम देखते हैं। ऑब्लिक कोलिजन्स बहुत इंपॉर्टेंट, टफ सवाल तुम्हारे लिए नहीं होगा, मेडिकल के लिए नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं। क्यों नहीं निकाल पाएंगे वो हम बताते हैं। तीन ही इक्वेशंस है, दैट मींस या तो कुछ और इंफॉर्मेशन हमें दिया रहना चाहिए, कुछ तो इंफॉर्मेशन रहेगा, देन वी कैन सॉल्व दिस। जैसे सपोज मुझे दे दिया थीटा वन दे दिया, तो हम थीटा वन अगर दे ही दिया तो तीन अननोन बचा है, तीन इक्वेशन इससे निकालेंगे। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं, मोस्टली वी डोंट प्रीफर टू राइट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज उस केस में हमें इक्वेशंस क्वाड्रेटिक आता है, जो सॉल्व करना बहुत आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी को हम कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। तो इस सवाल में हम करेंगे कि कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, कैसे डिफाइन। तो ये लिखना और वो दो अलग इंडिपेंडेंट नहीं है, या तो ये लिखो या तो वो लिखो, ऐसा नहीं कि सर वो भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं आएंगे, इंडिपेंडेंट इक्वेशन यही तीन है। चलो, तो अब हमारा टारगेट कहां शिफ्ट हो गया, ये बताना कि क्यों ये सवाल सॉल्व नहीं होगा।
सुनना, अभी हम सिंपल सा केस लेते हैं, लेट्स कि ये रेस्ट में है और ये मूव कर रहा और इसका मोशन इधर है वी नॉट, और देखना इसका सेंटर मैंने इस स्फीयर का सेंटर इसके लाइन ऑफ मोशंस के सेंटर से थोड़ा नीचे बनाया है, थोड़ा नीचे. व्हेन दिस बॉल विल रीच हियर, यहां आया, इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां, तो ये लाइन ज्वाइन कर दो. अब इसका वेलोसिटी देखना इधर है और ये लाइन दोनों का सेंटर ऐसे कराते, ये नॉर्मल एक्सेस किस डायरेक्शन में लगाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन. सुनना, सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, कुछ बच्चे को तो समझ में आना चाहिए. ये बॉल अभी ये रेस्ट में था, ये बॉल इस पे जो फोर्स लगाया वो इधर लगा है, इस लाइन दोनों सेंटर को मिला दिया, मतलब ये दोनों सेंटर इस एक्स एक्सिस से भी थीटा एंगल पे है. तो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन ये किधर मूव करना शुरू करेगा, इस डायरेक्शन में, ये जो एंगल दिया वो उसी पे, बिकॉज मैं इनिशियली ये रेस्ट में था, अब फोर्स इधर लगा है ना. अगर ये इसको थोड़ा और नीचे ले आओ, थोड़ा और नीचे, तो ये थीटा थोड़ा और बढ़ जाएगा. अब यही केस लेते हैं, तो अब ये एंगल चेंज हो जाएगा, तो अब ऐसे लगाएगा, मतलब ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगा. मतलब कोलिजन्स के समय उसका ओरिएंटेशन क्या है, किस एंगल पे वो कोलाइड कर रहा है, एक दूसरे के बीच का नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, और ये जो नॉर्मल लगा रहा है इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया. और ये लाइन ऑफ इंपैक्ट डिपेंड करता है कि उसका ओरिएंटेशन कोलिजन के टाइम में कैसा है. अगर मैंने यहां पे दे दिया सिंपली एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है दो बॉल, हम लाइन ऑफ इंपैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं, तो अलग अलग केस में अलग अलग आंसर होगा. तो अगर ये आइडिया हमें पता है कि कैसा होगा, क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये पता होगा, तब हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना, कि ऐसे है कि थोड़ा और नीचे है कि थोड़ा और नीचे, अलग अलग केस में अलग होगा. सो वी नीड टू नो दिस ओरिएंटेशन, वी नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस. गॉट इट? इसलिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन में अटक गए थे, हम तीन ही लिखे जबकि जरूरत चार की थी, चौथा इस पे डिपेंड करता है कि ये कोलिजन्स के टाइम में लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है. तो ये थोड़ा सा हो गया बच्चों टफ कॉन्सेप्ट, तुम्हें नहीं समझ में आया तो डोंट वरी. ये लिख लेना सर, आप लोग सर एक डेफिनेशंस लिख लो, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाएगा बॉट बच्चों, कि दो बॉडी अगर कोलाइड कर रहा है तो दो बॉडी एक दूसरे पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है कोलिजन के टाइम पे, वो जो फोर्स है उसी किस डायरेक्शन में लगा उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट. और जो कोलिजन्स के टाइम में जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स लार्ज फोर्स होता है, जनरली उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स. तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, डायरेक्शन इन विच कोलाइडिंग बॉडी अप्लाई इंपल्सिव फोर्स. अभी कुछ देर बाद या नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इंपल्सिव फोर्स मतलब इंपल्स क्या होता है.
जनरली इंपल्सिव फोर्स तब बोलते हैं जब लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगता है, तो उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। जब बॉडी कोलाइड करता है तो कोलिजंस का टाइम इंटरवल बहुत कम होता है और उस कम टाइम इंटरवल में एक लार्ज फोर्स लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। ये सवाल क्लियर? मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब कहोगे सर ये कैसे बताएंगे, तो मोस्ट ऑफ द केस में जो कोलाइडिंग बॉडी रहता है वो मोस्टली स्मूथ रहता है। अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स लगाएगा। जब नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल किधर लगता है, जो कोलाइडिंग बॉडी है जहां पे कॉन्टैक्ट में है, एट कॉन्टैक्ट पॉइंट जो कॉमन नॉर्मल है उसी डैक्स में लगेगा। सो इन केस ऑफ अ स्मूथ बॉडी लाइन ऑफ इंपैक्ट विल बी डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहां पे बॉडी कॉन्टैक्ट किया, जहां पे जिस पॉइंट पे टच में आया उस पॉइंट का कॉमन नॉर्मल। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे अभी मैं समझा रहा था कि ये तुम्हारा स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर ये था और दोनों का सेंटर ये है, जब टच किया तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब ये टच कर रहा है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। दिस विल बी लाइन ऑफ इंपैक्ट। अगर मान लो एक स्फीयर है, सॉरी एक स्फीयर ऐसे कोलाइड किया, इसका वेलोसिटी इधर है, अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब जब इसको टच किया इसका ऑल्दो वेलोसिटी इधर है बट इसका कॉमन नॉर्मल किधर, इधर, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑल्दो वेलोसिटी इसका इधर है। समझा क्या? अगर ये वर्टिकल बॉल है, अगर एक बॉल आया इसका वेलोसिटी वी इधर आया, ऐसे आया, बट इसका कॉमन नॉर्मल ये होगा, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो जाएगा। ये दो तीन एग्जांपल दिखा दिया। अगर सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया, अब यहां पे आया, व्हाट विल बी लाइन ऑफ इंपैक्ट, कॉमन नॉर्मल, मतलब ये सरफेस का नॉर्मल कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लाइन ऑफ इंपैक्ट समझाने के पीछे मकसद ये है कि वन डायमेंशन में हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताया था, यहां भी बताना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जब लिखेंगे ना तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं लिखना चाहूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो लिख लो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस केस में लिखते अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, velocity of approach along line of impact is equal to velocity of separation along line of impact। बात समझ में आई क्या? ये इक्वल कब लिखेंगे, जब इलास्टिक कोलिजन है, और अगर इनइलास्टिक है
तो E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट इन केस ऑफ इनइलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन के लिए E 1, इनइलास्टिक के लिए E लेस देन 1, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E विल बी 0. तो जब ऑब्लिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट किधर लगाएंगे? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट. जैसे अब मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉल V1 से कोलाइड किया थीटा 1 एंगल पे और V2 से चला गया थीटा 2 एंगल से नॉर्मल से. बच्चों हमने अभी समझाया कि यहाँ पे लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है और मान लो कह दिया जाए कि इन इलास्टिक कोलिजन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है. तो कुछ बच्चे इसको गलती से लिखते हैं, मेडिकल वाले स्पेशली कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये पॉइंट पे कोलाइड किया V2 से ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज V2 दैट इज इक्वल टू अप्रोच. ये V1 से यहां पे इस पॉइंट पे आ रहा था V1 इनटू E, बट दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. Velocity of approach or velocity of separation जो defined होगा along line of impact. तो V1 velocity इधर है, इसको approach कर रहा है V1 cos theta 1 और velocity of separation हो जाएगा V2 cos theta 2. तो हम correct equations will be V2 cos theta 2 is equal to E times V1 cos theta 1. This is correct answer. तो आज ये कम से कम सीख लो.